हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे सरपुतिया के बारे में शेयर करूंगी। ये देखिए, ये सरपुतिया यहाँ नीचे से लगी है और ऊपर तक चढ़ी है। ये देखिए, ऊपर फली है। ये देखिए, इस तरह से ये गुच्छे में इसमें फल आते हैं। अब इसको मैं तोड़ लूँगी। बाकी बहुत ऊपर हैं, उनका वीडियो मैं आपसे नहीं शेयर कर पाऊँगी। पूरी हार्वेस्टिंग करके तब मैं आपसे इसका वीडियो शेयर करूँगी। ये देखिए, कई बार हार्वेस्ट कर चुकी हूँ बट इसका वीडियो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई। ये देखिए, इसकी बेल कहाँ तक गई है, छत तक चढ़ी है। इस तरह से बहुत ही अच्छी सब्जी, इसमें विटामिन कई गुणों से संपन्न होती है। इसकी सब्जी बहुत बनाने में बहुत टेस्टी भी होती है। तोरई अलग होती है लेकिन ये छोटी छोटी अलग चीज़ होती है। तोरई भी है, उसे भी मैं आप, ये देखिए तोरई भी लगी है, बहुत ऊपर है। मैं आपको अगर दिखा पा रही हूँ तो बहुत ऊपर है। ये देखिए, तोरई की भी बेल यहाँ है और सरपुतिया भी है इसी में बीच में। ये जो छोटी पत्तियों वाली है ये सरपुतिया है और जो ये बड़ी पत्तियों वाली है ये तोरई है। सरपुतिया देखिए यहाँ पर कि इसके फूल इस तरह से गुच्छे में हैं। अब इनमें फल आएंगे। ये देखिए कितनी मोटी हो गई है। इसको सीड के लिए रखे हैं, सीड हम हमेशा प्रिजर्व करके रखते हैं। ये देखिए इस तरह से ये पेड़ पे होते हुए, तार पे होते हुए वहाँ पेड़ तक पहुँची है। देखिए इस तरह से, ये देखिए ये तुरई में देखिए कितना बढ़िया लगा है। ये देखिए तुरई लगी है, ये इसके फूल हैं। ये देखिए तुरई लगी है, ये इसमें बड़ी बड़ी लगी है। ये देखिए, ये इसको मैं अभी आपको हार्वेस्ट करके दिखाऊंगी। ये देखिए, ये है, ये देखिए एक यहाँ है। ये अभी बहुत छोटी है लेकिन इसको हम तोड़ लेंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने सारी सरपुतिया हार्वेस्ट कर ली है। देखिए लगभग ये 1 किलो होगी और कितनी बढ़िया और एकदम ताज़ी सरपुतिया। इसकी सब्जी जो है बनाई जाती है हम लोगों के यहाँ, इसका खासकर महत्व होता है इस पंचमी के दिन। इसको लोग सब्जी बना के उस दिन ज़रूर खाते हैं इस पंचमी के दिन। इसकी सब्जी का खास महत्व होता है हमारे पूर्वांचल में। वैसे भी ये बहुत स्वादिष्ट और बहुत ही पौष्टिक सब्जी मानी जाती है। इसकी सब्जी रेयर है, ये हर जगह नहीं पाई जाती है लेकिन हम लोगों के यहाँ इसको हम ज़रूर, जब से लखनऊ आए तब से मैं ज़रूर कहीं अगर जगह मिल जाती है, चाहे गमले में चाहे ज़मीन में, ज़रूर इसको बोती हूँ। और इस तरह से इसकी सब्जी इतनी स्वादिष्ट होती है कि क्या बताएं। इसको आप जो है, और ये देखिए ये तुरई है और ये सरपुतिया है जो सूख जाती है। इसको सीड के लिए हम तोड़ के रख देते हैं। इसके सीड अंदर देखें, अभी देखिए कैसे काले काले होते हैं। ये देखिए, इसको ऐसे फोड़ दीजिए तोड़ के,
तोड़ने के बाद इसको जब फोड़ दिया जाता है तो इसमें से ये देखिए कैसे काले काले सीड निकलते हैं। ये देखिए ये छोटे छोटे सीड होते हैं, जैसे तुरई के होते हैं उसी तरह इसके भी होते हैं, लेकिन ये बहुत छोटे और चमकीले होते हैं।